शिवपुर थाना क्षेत्र के सेंट्रल जेल रोड स्थित पानी टंकी के पास बुधवार शाम एक युवक को गोली मारे जाने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की खबर पर पहुंचते ही पुलिस ने घायल युवक को तुरंत मलदैया स्थित सिंह मेडिकल अस्पताल में एडमिट कराया। डॉक्टर्स के अनुसार युवक की हालत स्थिर है। युवक के दाहिने पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि गोली युवक को छू कर निकल गई। थाना शिवपुर की घटना है। यहाँ पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सनबीम स्कूल के आसपास एक व्यक्ति जो है उनको हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया है, पीटा गया है। और बगल में ही एक और घटना उसी टाइम संज्ञान में ये आई है कि एक व्यक्ति जिनके पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है। अभी पूछताछ हम लोगों द्वारा की जा रही है। जो अभी तक प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आया है, इसमें कोई आपसी रंजिश का मामला है। और जिस व्यक्ति को एक जो पैर में गोली लगी है, प्रथम दृष्टया ये भी पता चल रहा है कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वो एक्सीडेंटल फायर अभी तक लग रही है। बाकी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। इसमें सीसीटीवी कैमरास देखे जा रहे हैं। हमारी जो सर्विलांस टीम है वो भी लगी हुई है। इसके अतिरिक्त हमारी जो पुलिस की जो टीम्स है इसमें गठित कर दी गई हैं और उनको दबिश के लिए भेजा जा रहा है। के नाम आपको बता दिए जाएंगे। अभी हम लोग वहीं पर पुलिस, अभी मेरे पास रिकॉर्ड में है नहीं, अभी आपको सूचना दे दी जाएगी। घायल कहाँ पे है? अभी एक को हॉस्पिटल भेजा गया है ताकि, क्योंकि उसके सर में हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट आई है तो उनको स्कैन के लिए भेजा गया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो सिंह हॉस्पिटल में है जिनको पैर में गोली लगी हुई, लेकिन उनको भी रेफर किया जा रहा है। लेकिन दोनों अभी जो डॉक्टर से भी बात हुई है अभी फिलहाल सेफ है, लेकिन आगे उनकी और भी जो मेडिकल करवा सकते हैं वो करवाया जा रहा है। ये अभी एक बार घटनास्थल में जो हमारे इंस्पेक्टर साहब गए थे, लखन भी थे साथ में, हमारे जो सीओ कैंट भी थे वो भी वहाँ मौके पे गए हैं, वहाँ बाइक दिखी है। इसके अतिरिक्त अगर और भी कुछ आता है तो इन्वेस्टिगेशन में वो क्लियर हो जाएगा। ये आपसी रंजिश है, अब किस कारण से है वो बाद में हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।